क्रीम बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे 200 ml व्हिपिंग क्रीम और इसको हमने अच्छे से बीटर से बीट करना है। अच्छे से बीट हो गई है, ये आइसक्रीम बनेगी नो कंडेंस मिल्क और नो कुकिंग, बगैर कुकिंग के और बगैर कंडेंस मिल्क के हम बनाएंगे। अब हम इसके अंदर डाल देंगे हाफ पैकेट टेट्रा क्रीम का, मिल्क पैक के मैंने लिए। ये डाल देने के बाद अब हम इसे दोबारा से बीट करें। ये देखिए मैंने हाफ कप आइसिंग शुगर लिए, इसको मैं थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी, आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी डाल सकते हैं। जहाँ पे इसका रिजल्ट ठीक आ जाएगा तो मैं वहाँ पे रोक दूंगी। अब हम इसे दोबारा से मिक्स कर देंगे। ये देखिए सब चीजें हमारी अच्छे से बीट हो चुकी है। हम इसके अंदर डालेंगे फूड कलर, रेड कलर का लिया है मैंने, रेड फूड कलर लिया है, ये ऐड कर देंगे। ये देखिए इससे थोड़ा सा कलर हमारा स्ट्रॉबेरी का आइसक्रीम का डार्क हो जाएगा। और स्ट्रॉबेरी मैंने ली थी 250 ग्राम, उसको ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया और पूरी हाफ कप इसके अंदर चीनी चली गई है। ये देखिए इसका कलर कितना खूबसूरत आ गया है। चलिए अब हम इसका नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। स्ट्रॉबेरीज थी, मैंने उनको बारीक बारीक सा क्रस्ट कर लिया। अब ये मैं इसके अंदर ऐड करूंगी। ये देखिए मैंने एक मोल्ड लिया है, आप चाहो तो कोई भी कंटेनर प्लास्टिक का ले सकते हैं। अब मैं इसके अंदर आइसक्रीम का बैटर ऐड कर दूंगी और इसको फ्रीज कर दूंगी। इसमें डाल दिया है कंटेनर में। अब हम एक फॉइल शीट ले लेंगे, उसकी मदद से इसको अच्छे से कवर कर देंगे ताकि कहीं पे भी जरा से भी हमारे क्रिस्टल नहीं हो। ये देखिए अब फॉइल को हमने अच्छे से इसके ऊपर रैप कर लिया ताकि कहीं से भी हमारे आइस क्रिस्टल्स ना बन सकें। चलिए जी अब हम इसको फ्रीजर में रख देंगे। कम से कम आपने इसको 8 to 9 hours तक रखना है और इसका बेहतरीन रिजल्ट चाहिए तो इसको 24 hours तो दीजिए। चलें फिर हम इसको फ्रीजर में रखते हैं और फिर आपसे मिलते हैं जब ये हमारी अच्छी सी आइसक्रीम फ्रीज हो जाएगी। ये देखिए जनाब हमें हमारी आइसक्रीम को फ्रीज हुए हुए पूरे 24 hours मैंने इसको टाइम दिया था कि हमारी अच्छे से फ्रीज हो जाए। चलें जी अब हम ये उतारते हैं, आपके सामने ही फॉइल शीट उतारेंगे, हटाएंगे। ये देखिए माशाल्लाह से ये देखें कितनी अच्छी हमारी आइसक्रीम रेडी हुई है। अब मैं इसको स्कूप की मदद से निकालती हूँ। मजेदार किस्म की हमारी आइसक्रीम स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम खाने के लिए तैयार है। इसके ऊपर मैंने थोड़ी सी टॉपिंग की हर्षी सिरप की, बहुत मजेदार सी आइसक्रीम तैयार हुई है, नो क्रिस्टलाइजेशन जैसे कि आपने देख लिया होगा।
चलें फिर हम, अगर आपको वीडियो पसंद आती है, अगर आपको लगता है बड़ी मजेदार सी रेसिपी आपके साथ शेयर की गई है, तो आपने क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को जरूर प्रेस किया करें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलें फिर आप सबसे इजाजत चाहूंगी, अपना ख्याल रखिएगा, अपनी प्यारी प्यारी सी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।